पंजाब के उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद में थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं के उद्घाटन किए। साथ ही उन्होंने विकास का हवाला देकर जलालाबाद की जनता से विरोधियों को करारा जवाब देने की अपील की। पंजाब के उपमुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल लगातार अपने विधानसभा हलके जलालाबाद का दौरा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने 100 बेड के नवनिर्मित अस्पताल, सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग और लैंडमार्क बैंक का उद्घाटन किया। साथ ही डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चुटेले अंदाज में निशाना भी साधा और चुनाव में पटकनी देने का दावा किया। कि साढ़े इतने कोई बहुत वधिया हस्पताल सरकारी खोले जाए, वो असी पूरी की है। 35 करोड़ रुपए की लागत नाल आ हस्पताल बनया, 100 कमरिया का हस्पताल है, 2-3 ऑपरेशन थिएटर है, एमरजेंसी है। इतने थोनू हर किस्म के स्पेशलिस्ट इतने ही मिलने, थोनू ना चंडीगढ़ जाने की लोड़ है। डिप्टी सीएम के मुताबिक अकाली दल सरकार ने पंजाब में जमकर विकास कराया है। उन्होंने विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए लोगों से अकाली दल का समर्थन करने की अपील की है। इलेक्शन माहौल है, पंजाब की जनता ने फैसला करना है। उन्होंने देखिया सरकार, कांग्रेस सरकार भी देखी है, दिल्ली की आप वाली सरकार भी देखी है। जो काम बादल साहब की सरकार ने किए अज तक कोई कर नहीं सकिया। बड़ी मुश्किल ना सी पंजाब नूं सही लीह ते चढ़िया। सरदार सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब फैसला सूबे की जनता को करना है। फाजिल का से सुनील नागपाल के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।